नमस्कार, मैं अनिल मजुमदार, बाबा अनिल। आज मैं फिर एक वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज का मेरा विषय है माँ पीताम्बरा के अनुष्ठान में किन्नरों का प्रयोग। आप तो ये जानते ही होंगे कि हमारे देश में मुख्यतः किन्नर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता। उनको हम लोग किसी भी शुभ काम में नहीं रखते हैं। बस जब भी शुभ काम होता है तो वो आके गाना बजाना करते हैं और हम उनको जो है रुपए पैसे दे के वो करते हैं। कहते हैं कि किन्नर यदि आशीर्वाद दे दे तो आपका सब कुछ बन जाता है, और यदि वो क्रोधित होकर श्राप दे दे तो सब कुछ बिगड़ जाता है। तो मैं माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान किन्नर के साथ कैसे किया जाता है ये मैं बतलाने जा रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले एक ऐसा स्थान आपको चुनना पड़ेगा जो कि बहुत निर्जन में हो, जहाँ पर कोई भी ना रहता हो, या रहता भी हो तो आपसे कोई मतलब ना रखता हो। तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। एक आप चौकी लीजिए, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, उस पर माँ पीताम्बरा का फोटो लगाइए और उसको जो है धूप दीप अगरबत्ती मतलब पंचोपचार या षोडशोपचार से जैसे आप पूजन करना चाहें। ऐसे तो वैदिक रीति में माँ पीताम्बरा के पूजन में 37-38 चीज़ें लगती हैं, परंतु यदि आप मेरे बताई हुई विधि के द्वारा करते हैं तो आपको सिर्फ करना क्या है कि एक कमरे में आपको माँ पीताम्बरा की फ़ोटो को स्थापित करनी है और विधि विधान से उनकी प्रथम दिन पूजा करनी है। आप जाके जब पूजन समाप्त हो जाए तो आप किसी किन्नर को जो कि क्या कहते हैं उसको किसी तरह से मान मनोबल करके अपने घर में आपको पूजन के समय बुलाना पड़ेगा। तो पूजन के समय जब आप बुलाएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप जो हैं तो उनको जो है क्या कहते हैं विधिवत रूप से उनके लिए एक साड़ी ब्लाउज़ और जो भी आप देना चाहें, और उनको मतलब जो है श्रृंगार का सामान, और उनके लिए अच्छा सा भोजन, और उनके लिए जो है क्या कहते हैं जो भी आप और भी कुछ देना चाहें तो वो साथ साथ में दक्षिणा उनके साथ पहले कर लीजिएगा, क्योंकि उनको क्रोधित नहीं होना चाहिए। पहले से कह दीजिएगा मैं इतनी दक्षिणा दूंगी। अब आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान स्वयं करेंगे। स्वयं करने के बाद आप दूसरे दिन आप किसी किन्नर को अपने घर में इनवाइट करेंगे, उनको बहुत ही श्रद्धा सम्मान के साथ उनको बैठने के लिए कहेंगे, और आप उनको एक चौकी पर स्थापित करिएगा पीले रंग का कपड़ा बिछाकर। बड़ी सी चौकी हो या कुर्सी हो तो उस पर पीला ही वस्त्र हो, और पीले पुष्पों का इंतजाम कर लीजिए, धूप बत्ती अगरबत्ती कर लीजिए, और उनको जो है विधिवत रूप से जैसे होता है कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप क्या करेंगे कि आप जब कोई भी आपके यहाँ आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हैं कि उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद पुराने ज़माने में होता था कि उनके पैर धोए जाते थे, तो कांसे की एक थाली या पीतल का परात लेके उसमें जल भर के आप जो हैं क्या करेंगे कि क्या कहते हैं उनके पैरों को धोएंगे। पैरों को धोने के बाद उसमें जो है आप पूजन करेंगे। तो उसके बाद उनको श्रृंगार का सामान देंगे, उनको वस्त्रम समर्पयामि वस्त्र समर्पित करेंगे, और भोग प्रसादम समर्पयामि उनको भोग प्रसाद समर्पित करेंगे। अब आप क्या करना है कि आप उनको करके उनको दक्षिणा दीजिएगा, और फिर उनको जब पूजन हो जाएगा तो आप माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान शुरू करिएगा। माँ पीताम्बरा का अनुष्ठान वैदिक रीति रिवाज से भी कर सकते हैं और मेरे द्वारा बनाई विधि से भी कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि हल्दी की माला आपके पास होनी चाहिए, हल्दी की माला, और आप पूर्वाभिमुख होकर बैठेगा, मतलब पूरब की ओर मुँह करके बैठेगा, और हल्दी की माला से आप जाप करिएगा। जाप में होगा ओम हिलिंग बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभाय जिभ्याम किलाय बुद्धिम विनाशाय हिलिंग ओम स्वाहा। ये पूरा 36 अक्षरों का मंत्र होता है बगलामुखी का, इनका आप जो है जाप करिएगा। जाप में आप जो है कम से कम 11 माला करिएगा। हाँ, ये ध्यान रहे कि जब तक जाप आपका चलता रहे तब तक आपका किन्नर वहाँ पर जो आपने जिन किन्नर को बुलाया या ट्रांसजेंडर जिनको इंग्लिश में कहते हैं अंग्रेजी में जो होते हैं
उनको जो है क्या करते हैं बैठा के रखिएगा। करीब 11 माला आप जाप करिए, 11 माला जाप के बाद उसका 10वां हिस्सा आप जो है 108 जो है बार आप जो है सबसे हवन करिए। हवन में क्या होगा, जैसे विधिवत आप लोग घर में साधारण सा हवन करते हैं उस तरह से करिएगा, लेकिन आप जो आहुति देंगे पूरे साकल के साथ मिला के विधि विधान कर आहुति देंगे, तो उसमें जो है आप क्या करेंगे कि हवन सामग्री लीजिएगा, हवन सामग्री लीजिएगा, देसी घी लीजिएगा, आम की लकड़ी लीजिएगा और तिल लीजिएगा और थोड़ा सा उसमें शक्कर डाल दीजिएगा और चावल डाल दीजिएगा और चंदन की लकड़ी, चंदन का बुरादा डाल दीजिएगा, अगर तगर नागर मोथा डाल दीजिएगा। इन सबको मिला के आप हवन करेंगे। हवन में आप जो है ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभाय जिभ्यां किलाय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा स्वाहा जोर से कह के आप जो है आहुति को, अग्नि प्रज्वलित होती है तो उसमें आप अग्नि प्रज्वलित में डाल दीजिएगा। इस तरह से आप जो है 108 बार हवन करके उसके बाद माँ की आरती करिएगा। माँ की आरती जो होती है जो विधिवत सब जगह होती है उस तरह से आप माँ की आरती करिएगा। आरती के बाद जो है प्रसाद वितरण करने के बाद और किन्नरों को अच्छी तरह से भोजन कराने के बाद आप उनको दक्षिणा दे के विदा करिएगा। अब आप देखेंगे कि उनके आशीर्वाद से आपके घर में सुख शांति, आपका कोई काम बिगड़ रहा हो, आपका हो नहीं रहा वो होने शुरू हो जाएगा। आपके घर में कोई भी किसी तरह से लड़की की शादी नहीं हो रही हो जाएगी। आपका जो है क्या कहते हैं, यदि लड़के की नौकरी नहीं मिल रही है तो वो मिल जाएगा। घर में सुख शांति सर्वथा समृद्धि सब कुछ आ जाएगा। आप बस जो है मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप विधिवत रूप से उनकी पूजा करिएगा, उनको किसी तरह से कोई भी क्या कहते हैं वो न करिएगा। यदि आप में श्रद्धा भक्ति विश्वास हो तभी, आप ही जानते हैं मंत्रों में क्या शक्ति होती है। मंत्र आप जब उच्चारण करते हैं तो एक वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होता है तो वो जो पूरा कॉस्मिक क्या कहते हैं उसको हिला देता है, और कॉस्मिक हिलाता है तो एनर्जी बनती है। जब एनर्जी बनती है तो वही एनर्जी जो होता है आप जिसको भी सुपर पावर या भगवान या गॉड कुछ भी कहते हैं तो वहाँ तक पहुँचता है। अब वो आशीर्वाद स्वरूप आपको जो है उसी एनर्जी को आप में वापस कर देता है जो कि आपके घर में नेगेटिविटी को समाप्त करके पॉजिटिविटी लाता है। यदि आप मेरा विश्वास करते हो और मेरे वीडियो को आप देखते रहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसको आप करिएगा, लेकिन इसको किसी को बतलाइएगा नहीं। क्योंकि यदि किन्नर आपके घर में आते हैं तो किन्नर दो ही समय आते हैं, या तो आपके घर में विवाह होता है या पुत्र प्राप्ति होती है, तो उसी समय वो नाच गाना करने के लिए आते हैं और दक्षिणा लेके जाते हैं। ऐसे आप किसी को यदि बतला देंगे तो आपके घर में खामखा भीड़ हो जाएगी, आपका अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अनुष्ठान में बस आप एक ध्यान रखिएगा, आप पीले वस्त्र पहने हो, पीले आसन पर हो, घर का कमरा यदि पीले रंग का हो, दीवारें पीले रंग की हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ के सामने पीले गाय की घी जो है क्या कहते हैं, मतलब गाय का पीले गाय के घी जलाइएगा और चंदन की अगरबत्ती जलाइएगा और उनको भोग प्रसाद में माँ को जो है पीला ही दीजिएगा और सब कुछ पीला हो, और किन्नर को भी कोई पीले रंग की साड़ी दीजिएगा, पीले रंग का ब्लाउज दीजिएगा और पीले रंग का ही जो है क्या कहते हैं उनको मिष्ठान दीजिएगा, और खाने में आप पक्का खाना खिलाइएगा, माँ को भी चढ़ाइएगा सबको। इस तरह से होने के बाद आप जो है फिर आप क्या करेंगे कि बालिकाओं को आप खिलाएंगे, आप जो है क्या कहते हैं लड़कियों को खिलाएंगे, और जो है 9 लड़कियों को खिलाने के बाद आपका काम ये पूरा हो जाएगा और आप जो है इस तरह से आपका अनुष्ठान पूरा होता है। और आप एक बार फिर बोलिए, माँ पीताम्बरा की जय, माँ पीताम्बरा की जय, माँ पीताम्बरा की जय। ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभाय जिभ्यां किलाय बुद्धिं विनाशाय ह्लीं ओम स्वाहा। माँ बगलामुखी आपको जो है वो करे, और मैं जो हूँ आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जो है कल्याण हो आपका और आपके मनोरथ पूरी हो।